देखिए फ्रेंड्स, आज जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पहले चैप्टर में आपकी वास्तविक संख्याओं में। ये चैप्टर तो आपका कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1.2। 1.2 में आपके जो मोस्टली आप पॉसिबल हो तो आप ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी कर लीजिएगा एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। और जो आपके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ये देखिए जो मैंने गोल ये कर रखे हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है इसमें पूछ सकता है दो नंबर पे कि जो है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, तो ये चीज़ें पूछ सकता है, कोई सभी पार्ट दे सकता है, चाहे वो एग्जांपल्स में से भी उठा के दे दे, ठीक है, या यहाँ से एक्सरसाइज में से दे दे। फिर चौथा एक क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में वही कि HCF आपको दिया है, LCM निकालना है, तो ये भी दे सकता है आपको। और सातवां क्वेश्चन यही, इसमें जो है आपको LCM ही निकालना है, तो ये आपको दे सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब देखिए जैसे ये है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दे देगा आपको, ठीक है। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको दे सकता है। तो जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, आप पॉसिबल हो तो आप सारे एग्जांपल्स कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे उदाहरण ये 10 है, ये भी कीजिएगा, ये भी कीजिएगा, ये सब उसी मेथड से होंगे, ठीक है। अभी देखिए प्रश्नावली 1.3 में जो है आपका फर्स्ट और सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है √5 की जगह √2 आ जाए, √3 आ जाए, पर होगा ये वैसे ही सॉल्व जैसे ये है, इसकी जगह पे ये दे सकते हैं, ठीक है, एक बार ये भी दे सकते हैं। तो पॉसिबल हो तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए कीजिएगा, ठीक है, मेथड वही है आपका। अब नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 1.4 में जो है आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये 6 पार्ट हो गया, 7 पार्ट हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल हो तो सारे कर लेना आप, ठीक है। तो अगर ये मेरा पहला पार्ट था ये, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लिए, आगे भी मैं जो है बनाती जाऊंगी कि सेकंड चैप्टर का आपका कौन से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। आप जो है आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि जो है ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है दोस्तों।